अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक हेयर। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत बैकड्रॉप आप यहाँ पर देखें, ये है। और ये बैकड्रॉप जो बना है, ये आज हमारी बहुत अच्छी प्यारी दोस्त समया, उसका आज बेबी शावर है, उसके लिए आज ये पूरा तैयार हुआ है। और जिन लोगों ने तैयार किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे भी बात की जाए। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती हूँ, उसके बाद फिर उनसे बात भी करेंगे। देखा आपने कितना खूबसूरत इन्होंने क्रिएट किया। तो मैं जरीन को बुलाती हूँ और फायज़ा को भी। प्लीज़ आप भी आ जाए, फायज़ा दोनों आ जाए, दोनों ने बड़ी मेहनत की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, आई लव द वे यू क्रिएट एवरी थिंग ओवर हेयर। यहाँ पर बहुत खूबसूरत आपने जो है बनाया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करें कि ये थीम बनाई जाती है, कितने पैसे लगते हैं, और क्या मतलब आप लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं इवेंट्स को? देखिए, हमारा पेज है FNZ इवेंट प्लानर्स के नाम से, और इस तरह से होता है कि जैसे हमसे क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताते हैं कि उनको कौन सी थीम पसंद है या वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग खुद उनको बताते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आपके बच्चे की एज इतनी है, या आपका अगर बेबी शावर है तो आप ये वाली थीम लीजिए और इस तरह से मतलब आप इसको मैनेज कीजिए। उसके बाद ये होता है कि हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग इस तरीके से की जाती है, थोड़ा हम क्लाइंट से पूछते हैं और कुछ हम अपनी एडवाइजेस देते हैं क्लाइंट को कि इस तरह से होगा, कि बैकड्रॉप इस तरह से हो तो बलून्स इस तरह से लगेंगे, इस तरह से करके डिफरेंट स्टाइल से हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, और डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर हम इसको तरतीब देते हैं पूरा। अच्छा, दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की जो थीम ये बनी हुई है, ये है बी। जी, तो मॉम्मी टू बी, ये हनी हनी बी थीम। मॉम टू बी, तो उसको बी को जो है, हनी बी को जो है, वो ज़रा एक मेन फोकस हो गया है। तो इसके बारे में बताइएगा कि मेन फोकस जो होता है उसको क्रिएट किस तरह करते हैं, उसको आप जिस तरह, मैंने अभी ग्लास देखे, प्लेट्स देखे, सबको आप लोगों ने क्रिएट किया है। सो ये थीम के मुताबिक जो भी थीम दी जाए उसे क्रिएट कर लेते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारे ये हनी बी की जब थीम थी और हमारी क्लाइंट की डिमांड थी कि हम इस तरह से हनी बी की जो पिक्चर्स हैं, और खुद हमारा भी इरादा था कि हनी बी इसकी जो मतलब जो बी है वो हाईलाइट हो उसके अंदर, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेपर प्लेट्स या हमने वो खरीदी उसके लिए लाइक डिस्पोजेबल ग्लासेस, तो उसके अंदर वो हमें वो थीम नहीं मिली, तो हमने फिर वो अपने खुद अपनी क्रिएटिविटी से उसको क्रिएट किया लाइक पिक्चर्स के जरिए, और उसके थ्रू हमने उसको कंप्लीट बनाया। सेम इसी तरीके से बैकड्रॉप पे भी होता है और दूसरी चीज़ों पर, जैसे हमने ये राउंड बैकड्रॉप और राउंड आप सिलेंडर टेबल अच्छा, हम आप जैसे ये देख भी रहे देख हैं। रहे हैं, जिस तरह, हाँ, एग्जैक्टली यहाँ पर जो है ये आप देखिएगा, टेबल को भी क्रिएट किया हुआ है। एंड दिस इज़ लाइक गिव अवेज, एग्जैक्टली, ये गिव अवेज है, गिव अवेज हनी है। हनी की जार है इसमें। हाँ, ओ हाउ जी, क्योंकि क्यूट। हनी अच्छा, बी दिस इज़ थीम है वेरी तो हमने हनी नाइस, जार जो है गिव अवे में दिस इज़ रखा है। सो नाइस, वेरी नाइस। और साथ ही जो है ये थीम के साथ साथ ये हनी बी को हाईलाइट किया गया, जैसे कि टेबल पे भी देख रहे हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है मेन इसका जो मेन करेक्टर होता है उसे हाईलाइट किया उसे जाता है। हाईलाइट किया जाता है। फिर जो बलून्स हैं, इनको भी सेम आपने जो है पूरा थीम ये दी हुई मॉमी है। टू बी का स्लैश है जो वो पहनेंगी ओके, जब वेरी नाइस। सब बेबी चीज़ें शावर जो है होगा। वो आप लोगों ने क्रिएट जी की जी हुई। बिल्कुल कितनी कॉस्टिंग आती है तकरीबन इस पे? और आप दोनों सिस्टर्स हैं, आप दोनों साथ जी कर जी रहे जी हैं? फायजा एंड जरीन, FNZ फायजा एंड जरीन, इस तरह से हम लोगों का है ये पेज, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाइएगा उसके ऊपर और देखिएगा। कॉन्टैक्ट कांटेक्ट नंबर? नंबर है हमारा 03-06-02-98-359। ऑलराइट। और अगर जो है आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए फेसबुक के ज़रिए? तो हमारा जो पेज है FNZ इवेंट प्लानर्स के नाम से, और इसके अलावा हमारा इंस्टा पे भी है, वो zareen.123 है, इस ओके, तरह से करके है जो इंस्टाग्राम के ऊपर है, और यूट्यूब पे भी हमारा है, वो भी FNZ इवेंट प्लानर्स के नाम से है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो आप लोग अगर अपना इवेंट प्लान करवाना चाहते हैं तो FNZ से आप जो है अपना इवेंट प्लान करवाएं। बहुत ज़बरदस्त इवेंट ये लोग प्लान करते हैं, आपको पूरा बताएंगे भी। अगर आपके जहन में कोई थीम नहीं आ रही है तो ये खुद आपको थीम भी बताएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आई जस्ट लव्ड इट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका काम, यकीन आपको भी अच्छा लगेगा जब आप अपना इवेंट जो है वो इनसे प्लान कराएंगे। थैंक यू सो मच।